लिलन BS4 है, इसमें इंडिकेटर का प्रॉब्लम है। ठीक है, इधर देखो, ये डंडी है, ये डंडी तो यहाँ ख़राब हो गया है, तो इसमें दूसरा कनेक्शन किया है। इधर देखो ना, ये वाला कनेक्शन है, इसमें ट्रॉगल स्विच इधर कीजिएगा राइट साइड चलेगा, इधर कीजिएगा लेफ्ट साइड चलेगा। फिर इसमें समस्या ये है कि अभी भी नहीं चल रहा, और इसका 4 इंडिकेटर जब स्विच ख़राब हो जाता है तो क्या इंडिकेटर नहीं चलता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है हम लोग को, फ्लासर पर या तो डायरेक्ट करंट दे दीजिए या तो यहाँ से दीजिए, तो वहाँ देने से झमेला होता है, तो यहीं दे देंगे। अभी इसको सबसे पहले हम बाहर निकाल लेते हैं, देखिए बाहर निकल गया। अब इसमें कौन कौन सा तार बाईपास करना है सबसे पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, ये तो इंडिकेटर राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है, ये 4 पॉइंट जो काम करता हुआ है, और इसमें डायरेक्ट सप्लाई आता है। ठीक है, तो एक ये रेड पे सफ़ेद लकीर है, और ये भी रेड पे ब्लैक लकीर है, तो ये दोनों तार को जंप करना है। जंप करने के लिए क्या करेंगे, कैसा तार छील लेंगे। ठीक है, ऐसे एक तार छील लिए, अभी हम राइट साइड का इंडिकेटर चालू कर देते हैं, और इसमें जंप करना है, इसमें लगा दिए, इसमें लगा दिए, तार छील छाल नहीं करना, ये दोनों कैसे मोड़ देना, हो गया। अब ये स्विच लगा देंगे। ठीक है, चाहे इधर करो या इधर करो, तो अगर ये ख़राब हो जाता है तो इस प्रकार से हम जंप कर सकते हैं बिना तार काटे। ठीक है ना, अब चालू हो गया इंडिकेटर, देखो, देखिए चल रहा है इंडिकेटर, ये देखिए इधर तक किया हुआ चल रहा है।